اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. आज मैं पहली दफ़ा जर्मनी में बयान कर रहा हूँ। आया तो मैं घूमने फिरने के लिए था, मेरा कोई बयान का पहले से इरादा नहीं था और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था इतना क्राउड इकट्ठा हो जाएगा। तो लेकिन आप लोगों का शौक़ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, आपका दीनी जज्बा देख के समझ ही नहीं आ रहा कि इनको क्या समझाएं। ये तो पहले से इतने माशाल्लाह नेक हैं, बयान सुनने आ रहे हैं और क्या क्या बताएं आप लोगों को। अगर आपकी उलमा से इस्लाम से मोहब्बत ना होती तो आप ना आते यहाँ। दूसरे ख्वातीन भी बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने बताया आई हैं, दूसरे मुल्कों का सफर करके आई हैं, यूरोप के जो दूसरे कंट्रीज हैं। तो इतनी मोहब्बत आप लोगों की इस्लाम के साथ, जाहिर है मैं कोई यहाँ कोई आप लोगों को पैसा कमाने के तरीके बताने तो नहीं आया, या कोई कोई मेडिकल साइंस का कोई मसला हल करने के लिए आया हूँ, जो आपका कोरोना की कोई नई वैक्सीन लेकर आया हूँ। तो ये दीन की जो दीन से जो आपको मोहब्बत है, अच्छा मैं एक बात ही अर्ज कर दूँ, मैं बयान नहीं करता ना मुझे बयान करना आता है, मैं बातें करता हूँ, गपशप लगाता हूँ आपके साथ, मैं गपशप लगाऊंगा, आपने रिलैक्स होके बैठना है बिल्कुल, ऐसे जैसे हम कराची के किसी गटर के ढक्कन पे बैठे हैं ऐसे आपने शो करना है बिल्कुल फ्री माहौल में, बिल्कुल दिमाग से वो दबाव निकाल दें कि हम किसी मजहबी स्कॉलर को सुन रहे हैं, बिल्कुल फ्रेंकली गपशप वाले अंदाज में आपसे बातचीत होगी और फिर आपको भी मौका दिया जाएगा क्वेश्चन एंड आंसर का, यानी आपके लिए क्वेश्चन करने हैं, मुझे उसका जवाब आता होगा तो मैं बता दूंगा भाई इसका ये जवाब है, नहीं आता होगा तो मैं कहूंगा भाई मुझे इसका जवाब मालूम नहीं है। तो पूछने में आपने शर्माना नहीं है, कोशिश करूंगा कितना भी कोई उल्टा सीधा सवाल भी आए, कोशिश करूंगा कि मुझे गुस्सा ना आए, कोशिश करूंगा। बाज दफा ऐसा उल्टा सवाल पूछते हैं ना आपकी खोपड़ी घूमती है, तो मैं गारंटी तो नहीं लेता कि मुझे गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन पूरी कोशिश होगी कि मुझे गुस्सा ना आए, क्योंकि लोग ये भी डर रहे होते हैं यार मौलवी साहब से ये सवाल पूछ लिया तो ऐसा ना हो कोई फतवा लग जाए हमारे ऊपर, कोई दायरे इस्लाम से बाहर ही ना निकाल दें हमको। तो आपने जो पूछना है ना अपने दिल की भड़ास निकाल लें आप, और मैं ये दावा नहीं करता मेरे पास हर सवाल का जवाब है, मुझे नहीं जवाब आएगा मैं बता दूंगा भाई, कभी दोबारा आना हुआ तो मैं इस सवाल का जवाब लेकर आऊंगा। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? अच्छा, ख्वातीन जो भी बड़ी तादाद में हैं उनके लिए सवाल जवाब का अलग से उनका एक हमने सेशन रखा है, जब यहाँ हमारा बयान ख़त्म हो जाएगा, यहाँ सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, तो फिर ख्वातीन में अलग से एक सेशन रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में ख्वातीन हैं, उनकी पर्चियाँ वहाँ से चलते चलते यहाँ तक पहुँचे, रास्ते में कोई पता चला गया अगवा हो गई कोई पर्ची, ठीक है ना, हैं तो ज़्यादातर इंडियन पाकिस्तानी ना, बहुत से तो यहाँ के बाय बॉर्न है लेकिन खून तो वही है ना हमारा, इंडियन और पाकिस्तान का खून एक है, बांग्लादेश भी एक ही। तो इसलिए कोई भी यानी सवाल आपने पूछना है आपने ध्यान के बाद पूछना है, और ख्वातीन को मैं तसल्ली दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह यहाँ से फारिग होकर फिर हम ख्वातीन में अलग से सवाल जवाब का सेशन एक रखेंगे। तो अपने पास पर्चियां सवाल की लिख के रखें पहले से। चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, मेरे पास आपके सामने बोलने के लिए बहुत कुछ है, मेरे दिमाग में बहुत कुछ है, अगर मैं ये समझे कि मैं 5 घंटे भी बोलूं ना तो जो मेरे दिल में आपके सामने बोलने के लिए आपको समझाने के लिए जो मेरे दिल में चीजें हैं वो 5-6 घंटे भी उसके लिए कम है। तो मैं कल से यही सोच रहा हूं कि मैं कौन सी बात आपके सामने रखूं और कौन सी स्किप कर दूं कि नहीं भाई ये नहीं बल्कि ये ज्यादा जरूरी है, बहुत सारी चीजें। देखें इस वक्त हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, अमली खराबी बात की चीज है, जब आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते
आपके जहन में अच्छाई और बुराई की डेफिनेशन ही कोई गलत बिठा दे तो आप अच्छे इंसान बन सकते हो? अच्छा, मैं जब सवाल पूछूंगा ना तो आपने हाँ या हूं या ना या हूं पहले जर्मन जबान में कर दें आप, लेकिन बोलना है, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि ऐसे मेरे साथ सलूक करें जैसे मैं कोई टीवी के प्रोग्राम में टीवी में आ रहा हूं मैं, तो आपने कुछ हाँ हूं करना है। आप मुझे एक बात बताएं कि क्या अच्छाई और बुराई को डिफाइन किए बगैर, हर चीज को पहले डिफाइन किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। 2 किलो आपको दूध चाहिए, मुझे नहीं पता यहां दूध किलो के हिसाब से बिकता है कि नहीं बिकता, लेकिन एक फिलहाल हम कराची स्टेशन ही चलाते हैं मिसालों के लिए। अब मैं यहां स्टे करूंगा तो फिर मुझे यहां की मिसालें समझ में आएंगी ना, अभी तो हम देख ही रहे हैं ये है क्या यहां। हाँ, पे भी किलो से मिलता है। अच्छा, किलो से मिलता है दूध, लीटर लीटर से किलो से नहीं, लीटर से। अच्छा, लीटर से दूध मिलता है, तो पहले लीटर का पैमाना मुतय्यन करना जरूरी है या नहीं है? लीटर का स्केल, लीटर की एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन यानी उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वो पहले फर्ज किया गया है ना। आप किसी इलाके में गए, आपने कहा 1 लीटर दूध चाहिए, उसको पता ही नहीं लीटर होता क्या है, उसने पूरी बाल्टी भर के दे दिया, तो ये फैसला कैसे किया जाएगा कि ये 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, 4 लीटर है, 10 किलो है, 5 किलो है? पहले किलो पहले मुतय्यन किया जाएगा। भाई आप जब साइंस की किताबों में पढ़ते हैं तो किलो को कैसे डिफाइन किया जाता है, फला यूनिवर्सिटी के फला अजायब घर में एक पट्टा रखा हुआ है, वो जितने वजन का है उसको 1 kg फर्ज किया गया, यही होता है कि नहीं होता? तो देखें, जैसे चीजों को नापा जाता है वेट के जरिए, लीटर के जरिए, मसाहत के जरिए, इसी तरह इंसान का भी वजन होता है अमल के जरिए। आपको पता है ना, कुरान ने बार बार ये बात कही है, फमन थकुलत मवाज़ीनुहु फऊलाइका हुमुल मुफ्लिहून, जिनका आमाल का, अच्छे आमाल का तराजू वजनी हो गया वो लोग कामयाब हैं, जिनकी बुराइयों का तराजू वजनी हो गया वो लोग नाकाम हैं। इतना तो ईमान है ना हम सबका कुरान पर। तो जब हमें तोला जाएगा, वजन किया जाएगा हमारा, ये खूब अच्छी तरह जहन में रखें, दुनिया में जब हम कामयाब होते हैं ना तो नंबरों पे मदार होता है। मुझे नहीं पता यहां पासिंग मार्क्स कितने हैं, पाकिस्तान में 40% है, उसमें ग्रेवियां भी चल रही होती हैं, 10% 10 नंबर अगर तालिब इल्म खुद से ले ले तो 10 नंबर उस्ताद की अपनी सखावत होती है, फिर 10 नंबर रिश्तेदारी और 10 नंबर ताल्लुकात, और फिर अगर बिलफर्ज कुछ नंबर रह गए तो पैसे वैसे मिला के ग्रेवी में क्या हो जाता है, पॉसिबल। कराची में ये सिस्टम है, पंजाब का मुझे नहीं पता। अच्छा, खैर, हमारे अभी मेरा गार्ड था, वो मेरे साथ सफर पे था, तो मुझे कहने लगा, उस्ताद जी कल मेरा बीए का पेपर है, मेरे लिए दुआ करें। मैंने कहा, तुम तो कराची के हो, बीए का पेपर पंजाब में दे रहे हो? उसने कहा, नहीं, कराची में ही कोई मेरा रिलेटिव है, वो पेपर दे रहा है, मैं आपसे मैं सिर्फ दुआ की दरख्वास्त कर रहा हूं, जबान हाल उसने कह दिया, मशवरा मैंने आपसे नहीं, वो एक फकीर था, फकीर एक फकीर आया किसी खातून के पास और भीख मांगने लगा, तो खातून ने उसको समझाया, इतने हट्टे कट्टे होके भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? उसने कहा, मैंने आपसे भीख मांगी है, मशवरा। तो दुनिया में तो ऐसा होता है कि भी पासिंग मार्क्स इतने, आखिरत के जो पासिंग मार्क्स हैं वो मार्क्स नहीं होंगे, वो वेट होगा, वजन होगा, कि आपने नेकियां ज्यादा वजनी है या आपकी बुराइयां ज्यादा वजनी है। वजन क्यों होगा? वजह उसकी यह है कि बाज दफा एक नेकी होती है, इतने इखलास से होती है, इतने मेहनत से होती है, कि वो एक नेकी ही बहुत ज्यादा वजनी हो जाती है। हदीस में आपने सुना होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स शदीद प्यासा था, कुएं में उतरा, उसने पानी पिया, बाहर निकल के देखा एक कुत्ता शदीद प्यास की वजह से कीचड़ को चाट रहा है। उस शख्स के दिल में ख्याल आया कि जिस मुसीबत में मैं मुब्तला था वही मुसीबत में ये कुत्ता भी मुब्तला है। कुत्ते से एक मजमून मुझे याद आया, अगर मैं वजाहत कर दूं,
अभी मेरा एक बयान वायरल हुआ है शॉर्ट क्लिप, जिसपे जो हमारे मुखालिफिन लोग हैं उन्होंने बड़ा वो एक कुत्ते पे एक और चीज याद आई, चीजें से चीजें याद आती हैं। वो एक साहब दूसरे को ना मुसलसल गालियां दे रहे थे। पाकिस्तानी आपको पता है डेढ़ होशियार होते हैं कि नहीं होते। अब एक आदमी जैसे किसी पाकिस्तानी को या इंडियन को गाली दे रहा है, बहुत ज्यादा बुरा भला कह रहा है, और गालियां देते देते आखिर आया कहता है कुत्ता कुत्ता कह दिया उसको। ये बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हो रहा। देखें जब भी डिबेट होती है ना बहस में, हमेशा जीतता हुआ है जो गुस्सा ना आने दे अपने ऊपर, इसको गुस्सा नहीं आ रहा। जैसे इसने कहा ना कुत्ता, कहते कुत्ते से मुझे याद आया आपके वाले साहब की तबीयत कैसी है। कुत्ते से मुझे याद आया आपके वाले साहब की, देखो सारी गालियों का जवाब दे दिया ना। मेरा एक क्लिप वायरल हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा एक यानी खवातीन के खिलाफ उसको चलाया गया है कि गोया मैं बहुत ज्यादा खवातीन के खिलाफ हूं। उसमें ये चलाया गया है कि पहले मैं अधूरा क्लिप बता दूं आपको, ये जो चलाया गया है ना वो ये चलाया गया है कि कुत्ते मत पालो बीवियां पालो। यानी उसमें ये बताया गया गोया इनकी नजर में कुत्ते में और माजल्ला बीवियों में कोई फर्क नहीं है। वो यहां भी वायरल हुआ है, यहां भी लोगों ने मुझे बताया, मैं उसकी वजाहत कर दूं, वो बयान ऐसे नहीं है। जिसने भी ये शरारत की है शॉर्ट क्लिप वाले ने, उसने एडिट किया है, एडिटिंग हुई है उसमें, आपको साफ पता चलेगा। वो बयान असल में ये था कि भाई देखो, अगर आप फैमिली सिस्टम को फोकस नहीं करते, अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते, बच्चे आपके पैदा ही नहीं हो रहे, नस्ल खत्म हो रही है, गर्लफ्रेंड्स में आपने सारी जिंदगी गुजार दी, तो बुढ़ापे में आपको कुत्ते पालने पड़ेंगे, जानवरों से दिल बहलाना पड़ेगा। तो बताओ जानवर की वैल्यू ज्यादा है या इंसान की ज्यादा है? तो इंसान पालो। तो आदमी क्या इंसान पालता है? बच्चे पालता है और बीवियां पालता है, इसके अलावा क्या पालेगा? तो वो औरत की वैल्यू बढ़ाने के लिए, औलाद की वैल्यू बढ़ाने के लिए, उसमें आगे औलाद का भी तस्करा है, लेकिन वो कटिंग करने वाले ने क्या किया है, कुत्ते और औरत का तस्करा एक साथ करके बड़ा बुरा इमेज कायम करने की कोशिश की है। तो इसकी वजाहत ये सुन ले, समझ रहे? किसी ने अगर ये मेरा शॉर्ट क्लिप देखो तो वो इस तरह से है, उसको कट करके गलत चलाया गया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि क्यामत के दिन इंसान के अमाल का क्या होगा भाई? बजर होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स ने कुएं में उतर के पानी पिया, बाहर निकला, देखा कुत्ता जो है चाट रहा है कीचड़, उसको तरस आया कि जो मुसीबत में मैं मुब्तला हुआ था ये जानवर भी उस मुसीबत में है। वो गया, उस जमाने में चमड़े के मोजे हुआ करते थे, उस मोजे में पानी लाकर उसने कुत्ते को पिला दिया। फशकर अल्लाह लहू, अल्लाह ने उसकी इस नेकी की कदर की, फगफर लहू, और उसकी मगफरत कर दी। क्या मतलब? क्यामत के दिन उसकी बुराइयां एक पलड़े में होंगी, ये नेकी दूसरे पलड़े में। तो ये जो कुत्ते को पानी पिलाने वाली नेकी है, ये 100 नेकियां हैं, ये एक नेकी है, एक नेकी, लेकिन इसके 100 गुनाहों पे ये भारी होगी। इसी तरह बाज दफा एक गुनाह होता है, एक है क्वांटिटी के एतबार से, क्वालिटी के एतबार से उसका वेट बहुत ज्यादा होता है। गुनाह एक है, किसी जान को कत्ल करना ये 10 गुना है या एक गुना है? एक है ना, वजन ही बहुत है। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक औरत ने बिल्ली तंग किया करती थी उसको, उस औरत ने क्या किया, उस बिल्ली को बांध दिया। भाई तंग कर रही थी, कुछ भी कर लेती उसको, हम तो कराची में थैले में डाल के बंद करके बच्चों समेत बिल्ली को, बहुत दूर कहीं डाल के आ जाते हैं कि चल भाई बच्चों को भी बिल्ली से अलग नहीं करते, ये जुल्म है, दूर डाल के आ जाते हैं, यही करते हैं ना कराची में, यही चल रहा है सेटअप के बिल्ली बच्चों समेत दूर। तो वो फिर बाजब आ भी जाती है, फिर दोबारा आ जाती है। उस औरत ने क्या किया इंतकाम लेने के लिए, उस बिल्ली को बांध दिया, और वो बेचारी भूखी प्यासी बहुत टाइम के बाद तड़प तड़प के वो बिल्ली मर गई। अल्लाह को इतना गजब आया। हदीस में आता है, हदीस का मफहूम, कयामत के दिन जब तराजू लगेगा ना नेकियां और बुराइयों का, तो ये जो उसका जुल्म है ना, है ये एक गुनाह एक है, लेकिन इसका वेट इतना ज्यादा होगा कि अल्लाह इस गुनाह की वजह से इसकी सारी नेकियों को बर्बाद कर देंगे। बर्बाद करने का मतलब ये कि जन्नत में नहीं जाएगी ये, इसको अल्लाह जहन्नम की आग में फेंकेंगे। तो वजन किया जाएगा। देखिए मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए youtube.com/MuftiTariqMasood को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लाइव वीडियो को
कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकअल्लाह।